Good morning and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain the test paper of Talent Search Test 3. Talent Search Test के सिलेबस पर थोड़ी चर्चा कर दूं। यदि आप नए हैं, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं, तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण सूचना होगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं तो यह टेस्ट आप अवश्य दें। प्रत्येक संडे को एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप पर एक टेस्ट आयोजित किया जाता है, जिसका समय सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक होता है। 12 घंटे में कभी भी आपको टेस्ट दे देना है। 25 क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग 0.5 होता है। सिलेबस है सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए यह सिलेबस बहुत ही सुंदर है। तो यदि आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो जरूर इस टेस्ट को दें। अगर आपको इसकी सूचना नहीं है, ऐप डाउनलोड करें और टेस्ट दें। प्रत्येक संडे को यह टेस्ट होता है। अभी 3 टेस्ट ही हुए हैं, अगला टेस्ट फिर अगले संडे को होगा। एक्सप्लेनेशन मैं करने जा रहा हूं टैलेंट सर्च टेस्ट 3 का। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज परनीसस। इसका हमें क्लोजेस्ट इन मीनिंग यानी सिनोनिम बताना है। परनीसस मीन्स होता है हानिकारक। परनीसस मीन्स होगा हार्मफुल, डैमेजिंग, डिस्ट्रक्टिव, इंजूरियस, सूदिंग, शांत करने वाला, सूदिंग, शांत करने वाला, चीयरफुल, प्रसन्न, चीयरफुल, प्रसन्न और बोन होमी, सौहार्द, बोन होमी, सौहार्द, मेल मिलाप, सामंजस्य। तो 1 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमें क्लोजेस्ट इन मीनिंग यानी सिनोनिम बताना है। ग्रोटेस्क है, जिसका अर्थ होता है विकृत। ग्रोटेस्क मीन्स होता है असामान्य। असामान्य, ग्रोटेस्क मीन्स होता है भद्दा। ऑर्डिनरी और नॉर्मल दोनों का अर्थ होता है साधारण। अगली मीन्स होता है भद्दा। अगली मीन्स होता है कुरूप, बेढंगा। क्वैगमायर मीन्स होता है दलदल। मार्श मीन्स होता है दलदल। तो हमें सिनोनिम देना है, इसलिए हम अगली सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डीथर। डीथर मीन्स होता है निर्णय न ले पाना, हिचकिचा जाना, हिचक जाना, सहम जाना, निर्णय न ले पाना, हिचक जाना या सहम जाना। डिसाइड, निर्णय लेना, निर्णय लेना, इसलिए एंटोनिम होगा ए, हेजिटेट सिनोनिम हो जाएगा। सहम जाना, हिचक जाना, यह डीथर का सिनोनिम है हेजिटेट। डाउडल, सुस्ती से काम करना, जो काम 10 मिनट में होने वाला है उसे 30 मिनट में करना, डाउडल कहलाता है। इसका सिनोनिम लोइटर होता है, सुस्ती से काम करना। डिमिनिश, घटाना या कम करना, लेसन, डिमिनिश, एब सिनोनिम होते हैं। 3 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अपोजिट मीनिंग देना है एलियोर का। एलियोर का सिनोनिम अट्रैक्ट होता है, यानी इसका हिंदी होगा आकर्षित करना। एलियोर मीन्स आकर्षित करना। डिकोए, सरना, डिकोए, नष्ट होना, गलना, डिवेलप, विकसित होना या विकास करना, डिवेलप, विकसित होना या विकास करना, इंटाइस, इंटाइस मीन्स होता है लुभाना, और रिपल्स मीन्स होता है दूर हटाना या विकर्षित करना, विकर्षित करना। तो अट्रैक्ट इसका सिनोनिम होता है। एलियोर का सिनोनिम अट्रैक्ट होता है, तो रिपल्स इसका एंटोनिम होगा। 4 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज मेड टू बी द ब्लेम ड्यू टू अदर्स। वह जिस पर दूसरे किसी के आरोप को मर दिया जाता है और उसे झेलना पड़ता है, क्या कहें इसे। नीनकॉम्पूप, नीनकॉम्पूप मीन्स होता है महामूर्ख, बहुत बड़ा मूर्ख। स्केपगोट, बलि का बकरा,
बलि का बकरा। जी हाँ, यही होगा। ब्लेम ड्यू टू अदर्स, मेड टू बियर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स, बलि का बकरा। इनोसेंट निर्दोष, नायब, नायब इसका सिनोनिम होता है। और लीस भ्रष्ट, चरित्रहीन, चरित्रहीन बोलचाल में लोग यूज कर देते हैं कि फला बड़ा लीचर आदमी है, कभी ना यूज करें। आप जानते होंगे सामान्य तौर पर जिसे आप लीचर समझ जाते हैं, क्यों समझ जाते हैं? आपको यह लगता है कि कंजूस है, पैसा बचाता है, मतलब वह लीचर है। गलत, यह सोच गलत है, इसकी जानकारी नहीं है लोगों को, इसलिए लोग कह देते हैं कि वह आदमी लीचर है। वह आदमी लीचर है मतलब चरित्रहीन है, भ्रष्ट है, इसलिए ना कहें आप किसी कंजूस व्यक्ति को जो पैसा कम खर्च करता हो उसे आप लीचर ना कहें। स्केप गोट आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। अ पर्सन कंसर्न्ड विथ प्रैक्टिकल रिजल्ट्स एंड वैल्यूज, वह व्यक्ति जो किसी चीज के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल वैल्यूज से संबंध रखता हो उसे क्या कहते हैं? जो प्रैक्टिकेबिलिटी, जो फिजिबिलिटी में विश्वास करने वाला व्यक्ति है उसे हम प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं। रियलिस्ट मीन्स होता है यथार्थवादी, यथार्थ में विश्वास करने वाला रियलिस्ट कहलाता है। प्लैगियरिस्ट मतलब होता है साहित्यिक चोर, साहित्यिक चोर, साहित्य की चोरी करने वाला, किसी के कलाकृति को चुरा लेने वाला प्लैगियरिस्ट कहलाता है। प्रैग्मेटिस्ट मीन्स होता है व्यवहारवादी, जो किसी चीज के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखता है। आइडियोलॉजिस्ट आदर्शवादी, जो कि किसी एक आदर्श को फॉलो करे वो आइडियोलॉजिस्ट होता है। तो 6 का आंसर होगा प्रैग्मेटिस्ट। टू कीप वंस हेड अबव वाटर, खुद को कर्ज से बचाए रखना, कर्ज में खुद को न डूबने देना, टू कीप वंस हेड अबव वाटर होता है। खुद को कर्ज में न डूबने देना, इसका अन्य अर्थों में भी प्रयोग होता है। अपने आप को जोखिम से बचाना, अपने को जोखिम में न पड़ने देना के लिए भी हम यूज करते हैं टू कीप वंस हेड अबव वाटर। टू बी खौसस, खौसस मीन्स होता है सचेत, खौसस मीन्स सावधान। टू कीप आउट ऑफ डेट, जी हाँ, कर्ज से बाहर होना, कर्ज से मुक्त होना, अलग होना। तो आंसर 7 का भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8। टू बी अ गुड समैरिटन, टू बी अ गुड समैरिटन मीन्स होता है परोपकारी होना, चैरिटेबल वर्क करना, परोपकारी होना, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना। टू बी लॉ अवॉइडिंग, कानून को मानने वाला, लॉ को मानने वाला, बुद्धिमान व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, और जेन्युइनली चैरिटेबल पर्सन, सही मायने में जो चैरिटेबल हो, जो दानी हो, उसे हम कहते हैं अ गुड समैरिटन। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, ब्लैंक को फिल करने के लिए आप मोस्ट सुटेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। नो मैटर व्हाट हैज कम आवर वे, वी शुड नॉट लूज आवर टेम्पर, कोई बात नहीं, कुछ भी हमारे मार्ग में आ जाए, वी शुड नॉट लूज आवर टेम्पर, हम अपने गुस्से को कंट्रोल में रखेंगे, हम आपा नहीं खोएंगे। लूज टेम्पर, आपा खोना, नियंत्रण खो देना, गुस्से में आ जाना। तो कुछ भी हो हम आपा नहीं खोएंगे, हम नियंत्रण नहीं खोएंगे। हम किस परिस्थिति में आपा खो देते हैं उसको समझना होगा, तब आप इस फीलर को बना सकते हैं। बहुत एडवांस्ड फीलर है यह। प्रोवोकेशन, उकसावा, उकसावा। डिस्ट्रैक्शन, विचलन, भटकाव, पसंद से तो सिंपल है, टेम्पटेशन, प्रलोभन। अब बात किसकी हो रही है, बहुत समझना होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यह। बात किसकी हो रही है कि हम आपा नहीं खोएंगे, हम आपा डिस्ट्रैक्शन में खोते हैं,
हम आपा प्रलोभन में खोते हैं या हम आपा उकसावा में खोते हैं। तो प्रायः हम आपा तब खो देते हैं जब कोई हमें उकसाता है, जब कोई कहता है कि ऐसे करो और तुम्हें वो ऐसे बोल करके चला गया और तुम चुपचाप बैठे हुए हो, उसकी इतनी हिम्मत। अभी ये है प्रोवोकेशन, वो व्यक्ति आपको प्रोवोक कर दिया और उसके प्रोवोकेशन के कारण आप एग्रावेट हो गए, आपकी स्थिति जो है वो गड़बड़ हो गई, आप अपने कंपोजर को खो दिए, मानसिक शांति को आपने खो दिया। तो यहां पर प्रोवोकेशंस होगा, आंसर 9 का ए होगा। बहुत समझना पड़ता है ऐसे प्रश्नों को, काफी अच्छा प्रश्न था यह। नंबर वनस्पत कम आया है आप लोगों का, पिछले टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए काफी बढ़िया नंबर था, इस बार मैंने देखा है नंबर काफी कम है। लीडर बोर्ड अभी शो नहीं किया है इसलिए टॉपर की घोषणा मैं नहीं कर रहा हूँ, नाम नहीं बता रहा हूँ, लीडर बोर्ड शो कर देगा तब टॉपर की घोषणा मैं करता, लेकिन अभी नहीं किया है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। Nobody has come to see us, dash we bought these fierce dogs, dash we bought these fierce। आप देखें यहाँ has come है और यहाँ सब्जेक्ट के बाद वी टू है। कभी भी ऐसी स्थिति बनती है तो आप ये ट्रिक याद रखें, पहले has, have के बाद वी थ्री हो तो सिंस से वह कनेक्ट होता है और बाद में वी टू लेता है। कंजंक्शन ऑफ टाइम का यह सिंस काम करता है, इसका अर्थ होता है जब से तब से। जब से हम लोग यह इन इन खूंखार कुत्तों को खरीदे हैं तब से हम लोगों से मिलने कोई नहीं आया है, यानी जब से तब से, यानी सिंस चाहिए। आंसर सी होगा, कंजंक्शन से यह क्वेश्चन मैंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, ही इज बिजी डैश हिज वर्क। प्रायः लोगों को लगता है कि बिजी है तो काम में बिजी है इसलिए इन भर दो, नहीं, फिक्स प्रेपोजिशन है बिजी विथ वर्क, बिजी विथ वर्क, काम में व्यस्त होना। अरेंज करना है, जो आपके सामने है वो जम्बुल्ड है, इसे आप अरेंज कर दें, सजा दें। फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल वेंडर्स, किसान और कृषि संबंधी चीजों को बेचने वाले, वेंडर मीन्स होता है विक्रेता, कृषि संबंधी चीजों को बेचने वाले और किसान, इन रिमोट प्रोविंसेस, दूर के प्रांतों में, नहीं शुरू होगा पी से क्योंकि ये कनेक्ट नहीं कर रहा है, सेल गुड्स डायरेक्टली टू अर्बन कंज्यूमर्स। यह जो पार्ट दिया गया है यह सब्जेक्ट है, अगर इसका क्वालिफायर मॉडिफायर है तो इसके साथ दें, अन्यथा हम वर्ब देंगे। वाया इंटरैक्टिव लाइव स्ट्रीम्स एंड बाइट साइज्ड वीडियोस, अब देखिए ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, लाइव स्ट्रीम्स एंड बाइट साइज्ड वीडियोस, यानी आर के बाद एस होगा, कंफर्म हुआ कि हमें शुरू करना होगा क्यू से। फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल वेंडर्स सेल गुड्स डायरेक्टली टू अर्बन कंज्यूमर्स, किसान और किसान से संबंधित विक्रेता, कृषि के चीजों को बेचने वाले विक्रेता सीधे अपने सामानों को उन कंज्यूमर से बेच देते हैं जो अर्बन होते हैं, जो शहरी होते हैं। कैसे बेच देते हैं, कैसे इनकी पहुंच उन तक हो जाती है, वाया इंटरैक्टिव लाइव स्ट्रीम्स एंड बाइट साइज्ड वीडियोस इन रिमोट प्रोविंसेस, गड़बड़ हो रहा है। सेल गुड्स डायरेक्टली टू अर्बन कंज्यूमर्स, इन क्यू के बाद पी होगा, क्यू के बाद पी होगा, अब मजबूरी हो रही है ऑप्शन सेलेक्ट करने में। बेस्ट आंसर यही था कि फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल वेंडर्स सेल गुड्स डायरेक्टली टू अर्बन कंज्यूमर्स, कौन से कंज्यूमर्स, वे जो रिमोट प्रोविंसेस के हैं। या एक बात और हो सकती है, थोड़ा सा वेट करें प्लीज, अब जो देखिए जो मैं बना रहा हूं वो ऑप्शन में नहीं है, बेस्ट वही था, अब जो है इसके अनुसार क्या होगा। तो फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल वेंडर्स सेल गुड्स डायरेक्टली टू अर्बन कंज्यूमर वाया, अब यही बनाइए आप, तब इसे आप रखिए 4 नंबर में, यही क्रम होगा।
क्यू आर एस पी क्या जी, ये भी नहीं है ऑप्शन में कहीं। अब देखिए क्यू से कौन है, क्यू एस आर पी है, सेल गुड्स डायरेक्टली टू अर्बन कंज्यूमर्स वाया इंटरैक्टिव लाइव स्ट्रीम्स इन रिमोट प्रोविंसेस। नो, सारे ऑप्शन गलत हैं। कहीं ना कहीं यहां मिस्टेक है क्वेश्चन सेट करने में। इसका बेस्ट आंसर जो होगा मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका अरेंजमेंट सही कर दे रहा हूं, ऑप्शन गलत है। इसका बेस्ट आंसर होगा कि किसान और कृषि विक्रेता वस्तुओं का विक्रय करते हैं प्रत्यक्ष रूप से अर्बन कंज्यूमर्स को इन रिमोट प्रोविंसेज। वे कंज्यूमर्स जो रिमोट प्रोविंसेज में हैं, जो दूर के प्रांतों में बैठे हुए हैं और वहां के वे शहरी कंज्यूमर्स हैं, उनसे अपने सामानों को ये सीधे सीधे बेच देते हैं, और बेचने का इनका माध्यम क्या होता है, तो वाया इंटरैक्टिव लाइव स्ट्रीम्स एंड बाइट साइज वीडियोस, यानी QPRS आपका आंसर होगा, और QPRS इसमें कहीं है ही नहीं, इसलिए आंसर आप इसे माने। खैर, आपको समझने से मतलब है, आंसर मैंने आपको बता दिया। अगला, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार हैज सेड, बिहार के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है, क्या कहा है इन्होंने, वी मे अलाउ फिजिकल क्लासेस दैट इफ द कोविड 19 सिचुएशन कीप्स, अच्छा कीप के बाद ऑन लगता है, कीप ऑन इम्प्रूविंग, यानी वह पेयर हमारा आंसर होगा जिसमें क्यू के साथ एस हो। यह टेक्निक आप सीखें, क्यू के बाद एस यहाँ है, क्यू के बाद एस यहाँ है, यह नहीं होगा और यह नहीं होगा। अच्छा, दोनों क्यू से शुरू हो रहे हैं, यानी द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार हैज सेड दैट, तो एकदम ईजी है, सेड के बाद ऐसे भी दैट लगता है, said that if COVID-19 situation keeps on improving in the state, यदि COVID-19 की स्थिति अच्छी हो रही है, सुधर रही है राज्यों में, तो क्या कर सकते हैं, we may allow physical classes with full capacity from next month, यानी आंसर होगा QSPR, तो आंसर देंगे हम सी। अगला क्वेश्चन नंबर ओ, ये एक न्यू बैच का ऐड है, आप देख सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 14, ही वॉज क्वाइट अनअवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ होगा, यहां सिग्निफिकेंस के पहले द लगाना पड़ेगा, क्योंकि नाउन के बाद जब भी ऑफ हो तो वह नाउन खास बन जाता है, और तब हमें उसके पहले द का प्रयोग करना होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15, दो नन ऑफ हिज सो कॉल्ड वेल विशर्स फॉरवर्डेड टू हेल्प, आई हेल्प्ड हिम बाय कंप्लीटिंग हिज वॉक ऑन टाइम, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही है, कहीं कोई एरर नहीं है। नन ऑफ हिज सो कॉल्ड वेल विशर्स, तथा कथित शुभचिंतक कोई आगे नहीं आया, फॉरवर्ड यहां वर्ब का काम कर रहा है, इसके बदले हम केम फॉरवर्ड का प्रयोग भी कर सकते थे, लेकिन ये जो दिया गया है बिल्कुल सही है। 16, यू ओवर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, यहीं पर एरर है, आंसर ए होगा। क्यों यहां पर एरर है, कैसे पता चला, तो माई आर योर हिज हर देयर, इनके बाद नाउन आता है, एजेक्टिव नहीं, और ये ओवर डिपेंडेंट जो है एजेक्टिव है, तो डिपेंडेंट का हमें नाउन बनाना होगा, यानी यहां लिखना होगा डिपेंडेंस, और आंसर हो जाएगा ए 16 का। 17, स्पॉट द वर्ड विच इज मिस स्पेल्ड, उस वर्ड को चूज करें जिसका स्पेलिंग गलत है, कैटेगोरिकल का ही स्पेलिंग गलत है, डबल टी नहीं रहता है, कैटेगोरिकल, कैटेगरी का एडजेक्टिव है कैटेगोरिकल, अक्वेंटेड मीन्स होता है परिचित, acquainted means परिचित, familiarity परिचय, और सुफेरानिवेशन सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट आंसर 17 का ये होगा। 18, circumstances सही है,
प्रोफेशनल सही है, लायर गलत है। बहुत लोगों को लायर यह सही लग रहा होगा। लायर में ए आर हो जाता है, ई आर नहीं रहता। लायर मीन्स होता है झूठा। सर्कमस्टांसेज मीन्स होता है परिस्थितियां। सर्कमस्टांसेज मीन्स परिस्थितियां। प्रोफेशनल पेशेवर, पेशा जनित कार्य को करने वाला। लायर मीन्स झूठा। प्रग्रैट सेखीबाज, डींग हाँकने वाला। प्रग्रैट मीन्स सेखीबाज या डींग हाँकने वाला। 18 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस का एक्टिव वॉइस चूज करें। हु हैज द मैच ऑलरेडी बीन रेस्ड बाय इन द मीटिंग। आप ध्यान दें, यहाँ बीन लगा हुआ है और यह क्वेश्चन जो है पैसिव में है, आपको एक्टिव करना है। यानी अगर किसी में बीन है तो वो नहीं होगा, हैज के बाद बीन है नहीं होगा। बहुत लोग कहेंगे सर हम तो वॉयस पढ़े नहीं थे इसलिए हमारा नंबर कम हो गया। कुछ टेक्निक्स हैं जो बिना पढ़े लोग भी थोड़ा लॉजिकली सोचें तो बना सकते हैं। देखिए कैसे, हु हैज ऑलरेडी, बाय हुम हैज द मैटर ऑलरेडी बीन। अब बीन यहाँ लग गया, हमें बनाना है एक्टिव, तो दो ठो तो गायब हो गया। अब बचा दो, हमें दो पर सोचना है। हुम, हु हैज द मैटर, इसमें बाई लगा हुआ है यानी हमें एक्टिव करना है, तो हुम होगा नहीं, आंसर ए होगा। हु हैज ऑलरेडी रेज्ड द मैटर इन द मीटिंग। मीटिंग में पहले ही इस मैटर को किसने उठाया है, आंसर ए होगा। शी सेड टू मी, नेताजी वेयर आर यू गोइंग। वह मुझे नेताजी बोली और प्रश्न की, कहाँ जा रहे हैं आप। तो शी आस्क्ड मी नेताजी एंड टोल्ड, एंड टोल्ड के चलते यह गलत हो गया क्योंकि यह प्रश्न है। शी टोल्ड मी नेताजी एंड आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, यही आपका आंसर होगा। रुक जाइए, रुक जाइए। शी कॉल्ड मी नेताजी एंड आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, बेस्ट वन इज दिस, ये नहीं होगा अब, क्योंकि शी टोल्ड मी नेताजी से बेहतर होगा ना शी कॉल्ड मी, यही तो बताने के लिए मैं यह क्वेश्चन दिया हूँ। अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो टोल्ड नहीं होगा, कॉल्ड होगा। ही कॉल्ड मी, सी कॉल्ड मी, इस तरह से नेताजी एंड आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, और ये नहीं होगा। सी आस्क्ड मी नेताजी एंड सेड, कह रहा है मुझे सेलेक्ट मत करो। 20 का आंसर सी होगा। अब आपके सामने है क्लोज टेस्ट, आपको प्रत्येक ब्लैंक के लिए चार शब्द दिए गए हैं, इन चारों में से जो बेस्ट सूट करे उसे यहां रखना है। ये क्लोज टेस्ट है। फॉर अ रेप डैश ट्रामा कम्स इन रिपीट डोजेज। ट्रामा कम्स होता है, मैंने ट्रामा आता है उन्हें रिपीट डोजेज में। किनको, जो रेप के डैश होते हैं, यानी बार 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 इन्हें मानसिक उत्पीड़न से गुजरना होता है। डैस देयर इज अ ग्रीवसम एक्ट, यह एक्ट जो है रेप का, यह ग्रीवसम है, जघन्य है, यह जघन्य कृत्य है, जघन्य कार्य है। एंड देन फॉलोज द डिफिकल्ट टास्क ऑफ रिपोर्टिंग द डैस। एक तो यह कार्य इतना घिनौना है, अब उस पर से एक समस्या होती है, अब इस कार्य के बारे में रिपोर्ट करना, FIR करना, क्योंकि FIR करते ही पब्लिक में बात आ जाएगी, इसलिए यह और कठिन हो जाता है। तो फॉर अ रेप डैश ट्रामा कम्स इन रिपीट डोजेज। रेप रिवाइवल, रिवाइवल किसी चीज का होता है, आदमी को भी रिवाइवल मिलता है, जैसे खेल इत्यादि में आप सुने होंगे कि विराट कोहली को, धोनी को रिवाइवल मिला, यानी आउट होते होते बच गए। यहाँ रिवाइवल नहीं होगा। सर्वाइवर, रिसीवर, ऑफेंडर, ऑफेंडर को ट्रॉमा कहाँ से होगा, मानसिक उत्पीड़न करने वाला जो होता है अपराध, उसे हम ऑफेंडर कहते हैं। तो यह किसको ट्रॉमा मिलता है, तो जो रेप के बाद बच जाता है, बच जाती है कहें, सर्वाइवर को। रेप सर्वाइवर मीन्स रेप के बाद जो बच गई, जिसकी जाने नहीं ली गई, जिसको नहीं मारा गया, वह रेप सर्वाइवर है। तो फॉर अ रेप सर्वाइवर ट्रामा कम्स इन रिपीट डोजेज।
द हिंदू एडिटोरियल कल का ही यानी सैटरडे के द हिंदू एडिटोरियल से मैंने यह ले लिया है. ट्रॉमा कम्स इन रिपीट डोजेस डैश देयर इज अ ग्रूसम एक्ट एंड देन फॉलोज. अब देन लगा हुआ है, इसके संबंध में यहां एक शब्द चाहिए जो देन से उसको कनेक्ट कर ले. फॉर अ रेप सर्वाइवर ट्रॉमा कम्स इन रिपीट डोजेज डैश देयर इज अ ग्रूसम एक्ट. पहले यह एक ग्रूसम एक्ट है, फर्स्ट देयर इज अ ग्रूसम एक्ट एंड देन फॉलोज द डिफिकल्ट टास्क ऑफ रिपोर्टिंग द डैश. एक तो यह पहले ही ग्रूसम है और ये डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, डिफिकल्ट काम हो जाता है इस घटना का रिपोर्ट करना. तो अब यहां सीन, सीन मीन्स दृश्य होगा, दृश्य का रिपोर्ट नहीं होता है. एजेंडा कार्यक्रम की सूची कार्य विवरणिका सिचुएशन और एजॉल्ट. तो ये एजॉल्ट है, यह एजॉल्ट है और इस एजॉल्ट को रिपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है. फॉर इयर्स सदियों से, वर्षों से एंड इम्पेंडिमेंट टू कमिंग अबाउट अ डैश ऑफेंस हैज बीन द फिंगर टेस्ट अ सर्वाइवर इज सब्जेक्टेड टू अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ प्राइवेसी. अब एक बहुत बड़ी बाधा, बहुत बड़ी रुकावट तो यह भी है कि रेप पीड़िता को, जो रेप से पीड़ित होती है, जिसके साथ डैश ऑफेंस होता है, अब रेप पीड़िता के साथ कौन सा ऑफेंस होता है? तो सेक्सुअल ऑफेंस होता है, फिजिकल, सेंटिमेंटल और इमोशनल नहीं, क्या होगा, सेक्सुअल ऑफेंस होता है उसके साथ. हैज बीन द फिंगर टेस्ट अ सर्वाइवर इज सब्जेक्टेड टू अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ प्राइवेसी. अब इस फिंगर टेस्ट में उसका और क्या होता है, उसकी प्राइवेसी और खतरे में आ जाती है, उसकी गोपनीयता और खतरे में आ जाती है और उसकी गोपनीयता का समूल उल्लंघन हो जाता है. ए हॉरर डैश हॉरर. एक हॉरर तो उसके रेप से उसे हुआ, दूसरा हॉरर बार बार ट्रॉमा आ रहा है उस चीज का कि मेरे साथ ऐसा हुआ. अब अगर उसका फिंगर टेस्ट होता है तो उसके प्राइवेसी का ग्रॉस वायलेशन होता है, यानी एक पर एक करके उसे हॉरर का सामना करना पड़ता है. तो हॉरर आफ्टर हॉरर होगा या हॉरर अपॉन हॉरर होगा, तो देखते हैं. बिहाइंड, ऑन, अपॉन और ऑफ, तो आंसर क्या होगा, अपॉन. थोड़ा कठिन सेट था, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन सेट अगर आप हमेशा हल्के हल्के ही करेंगे तो आपका प्रोग्रेस नहीं होगा. बहुत शिक्षक विद्यार्थियों को खुश करने के लिए बहुत हल्के हल्के टेस्ट लेते हैं, लेकिन बहुत हल्के प्रश्न आज कहीं नहीं पूछे जा रहे हैं. तो मेरा उद्देश्य होता है, मैं यह चाहता हूं कि आपको उस लेवल का प्रश्न दूं जो परीक्षा में पूछा जा सके. अब आपके मन को थोड़ा सा खुशी देने के लिए बहुत हल्के हल्के प्रश्न दे दिए जाएं तो हो सकता है आप क्षणिक खुशी में आएं, लेकिन स्थायी सफलता से दूर हो जाएं. इसलिए ऐसे सेट सा बनाएं, ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा. सारे शब्दों को याद करें, इसके ऑप्शन अगली बार वर्ड के रूप में, क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ सकते हैं. ओके, विद दैट इट इज ओवर नाउ. थैंक यू सो मच.